दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवाजी एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद इस बार सावन पूर्णिमा के दिन चार राशियों के लगने जा रही है लॉटरी। ये चार राशि वाले बन जाएंगे धनवान, लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, हो जाएंगे ये माला माल। इनके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी जी छप्पड़ फाड़ के धन की वर्षा करेंगी। दोस्तों इस बार सावन पूर्णिमा के दिन पूरे 90 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग, जिसके कारण अब 12 में से चार राशि वालों की लग जाएगी लॉटरी। ये बन जाएंगे धनवान, करोड़पति, माला माल। जी हाँ दोस्तों, इस बार सावन पूर्णिमा 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को पड़ रही है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस बार पूरे 90 सालों के बाद 31 अगस्त दिन गुरुवार को सावन पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और महादुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग। अब 12 में से चार राशि वालों की किस्मत चमक जाएगी। चार राशि वालों की भाग्य सातवें आसमान पर रहेंगे। ये चार राशि वालों को इस दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है। ये चार राशि वाले करोड़पति लखपति धन से मालामाल बनने वाले हैं। ये चार राशि वाले अब खुद धन की देवी इनके घर चलकर, पैदल चलकर इनके घर आएंगी और इन्हें अब मालामाल बना देंगी। सावन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी इनके घर में पधारने वाली हैं। तो अब इन चार राशि वालों को जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट स्वयं माता लक्ष्मी जी दूर करने वाली हैं और अब इन चार राशि वालों को जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे कि अब इन चार राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो खुशनसीब और भाग्यशाली चार राशियां कौन कौन सी है जिनकी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से 31 अगस्त दिन गुरुवार को सावन पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग महाशुभ संयोग बनने से लॉटरी लगने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। यूं कहें कि अब इन चार राशि वालों को करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम इन्हीं चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें। माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। और दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को समय पर जानकारी जरूर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास में आने वाली पूर्णिमा को श्रावण या फिर श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान दान तप और पूजन पाठ का विशेष महत्व है। सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में कजरी पूर्णिमा का पर्व भी सावन पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इस दिन यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का भी विधान है। चंद्र दोष से मुक्ति पाने के लिए भी श्रावण पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है, अतः इस दिन होने वाले धार्मिक कर्मकांड बहुत ही महत्वपूर्ण फलदायी होते हैं। इस बार श्रावण पूर्णिमा का पवित्र पावन पर्व, आपको बता दें कि इस बार जो श्रावण पूर्णिमा है उसका प्रारंभ 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को सुबह 11 बजे से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर यह पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार श्रावण पूर्णिमा का पवित्र पावन पर्व इस बार 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को है। जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और संभव हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में, गंगा नदी में आपको स्नान करना चाहिए। यदि इस दिन किसी पवित्र नदी में, गंगा नदी में स्नान करना संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें और स्नान करते हुए मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस प्रकार घर पर स्नान करके जब करने से आपको गंगा स्नान के बराबर का फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, स्नान आदि से निवृत्त होकर
तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें और इस दिन दान दक्षिणा करें। गरीब निर्धन को आप इस दिन तिल का दान करें, वस्त्र का दान करें, मीठी वस्तुओं का दान करें, यथा योग संभव जरूर दान करें। दोस्तों, इस दिन दिखने वाला चांद अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में काफ़ी बड़ा और चमकीला होता है। जी हाँ दोस्तों, सावन पूर्णिमा का जो चांद होता है, जो चंद्रमा दिखाई देता है, इस दिन अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में काफ़ी बेहतर, चमकीला और बड़ा होता है। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए, साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व है, भाई बहन का यानी त्यौहार भी है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथों में कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। जी हाँ दोस्तों बता दें कि इस दिन सर्वार सिद्धियोग अमृत सिद्धियोग का निर्माण भी हो रहा है, जिसके कारण इस बार का ये जो सावन पूर्णिमा है बहुत ही खास है। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा को रात्र में एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री और चावल मिला के अर्ध जरूर देना चाहिए और ओम चंद्र देवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में, कौन सी है जो कि माता लक्ष्मी कृपा से सावन पूर्णिमा के दिन बन रहे महालक्ष्मी योग दुर्लभ महाशुभ संयोग में करोड़पति बनने वाली हैं, धन से मालामाल बनने वाली हैं ये चार राशियां। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दूं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप बहुत ही अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। धन से संबंधित अनेकों प्रकार के लाभ आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति के अनेकों अवसर आप लोगों को मिलने वाला है। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधार रही हैं। माँ लक्ष्मी कृपा से अब आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, धन से मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। व्यापार में तरक्की होगी, कई बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं दूर होगी। इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। अभी तक अगर कोई कार्य रुका हुआ था, पेंडिंग था, तो उसे पूरा कर सकते हैं। धन संपत्ति में विशेष लाभ होगा। मित्र के सहयोग से भी लाभ हो सकता है, किसी मित्र महिला का भी सहयोग प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगली जो दूसरी राशि आती है दोस्तों, बता दूं, वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि को आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ व्यापार चल पड़ेगा, दौड़ पड़ेगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा और साथ ही साथ संतान की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। संतान की तरक्की से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। घर परिवार के सुख समृद्धि में वृद्धि करेंगे। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। कारोबार को लेकर चली आ रही चिंताएं व्यर्थ में अब जो चिंताएं थी वो दूर होंगी। बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ लगेंगे और कुछ धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन व्यापार में वृद्धि होगी, गुप्त रूप से धन आएगा, लोटरी सट्टा से आएगा, बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर होगा, इस रास्ते से भी धन आएगा। किसी को दिए थे पैसे तो वापस मिलता हुआ नजर आएगा माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से। अब अगली जो राशि आती है तीसरी, वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि को इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी में बदलाव दिखेगा, उच्च अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इसमें आपको विदेश से जाने का योग बनेगा, विदेश जा सकते हैं। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इनकम में बढ़ोतरी होगी, धन व्यापार में बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। बता दें कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से मीन राशि के आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। धन संबंधित अनेकों प्रकार के लाभ और खुशखबरियां आपको सुनने को मिलेगी। धन प्राप्ति के अनेकों अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। माता लक्ष्मी जी आपके अब घर पधार रही हैं और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको अनेकों प्रकार की खुशखबरियां प्राप्त होंगी। संतान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। अब चौथी जो राशि आती है वो है यहाँ पर मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सावन पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग से अब आपके घर में माता लक्ष्मी पधार रही हैं, जिससे इनकम बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, धन आने के स्रोत बढ़ेंगे। साथ ही गवर्नमेंट नौकरी की अप्लाई करने वाले जातकों को लाभ होगा, एग्जाम देने वालों को लाभ होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी विजय प्राप्त होगी। धन प्राप्ति के अनेक बड़े लाभ आपको मिलने वाले हैं। माता लक्ष्मी जी स्वतः आपके अब घर में
स्वयं पधारने वाली हैं और आपको धन से संबंधित चीजों से छुटकारा दिलाने वाली हैं। दोस्तों, ये चार राशियां इस बार श्रवण पूर्णिमा पर करोड़पति और यानी कि बनने वाली धन से मालामाल और इनकी लॉटरी लगने वाली है। तो दोस्तों, कमेंट में लिखे जय माँ लक्ष्मी, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा।